एक फिल्म पर इतना हंगामा दुनिया में शायद कहीं और कभी नहीं हुआ होगा। सरकारें मौन है, पुलिस की हैसियत तमाशाइयों की हो गई है और राजपूती शान का चोला पहनी उपद्रवियों की भीड़ ने देश को बंधक बना लिया है। रिलीज से बस एक रोज पहले हालात और भी विस्फोटक हो गए, पथराव हो रहा है, बसें जलाई जा रही हैं, बस में स्कूली बच्चे हैं, उपद्रवियों को इससे भी कोई मतलब नहीं। एक फिल्म पर इतना हंगामा शायद दुनिया में कहीं और कभी नहीं हुआ होगा। विरोध की सबसे खौफनाक दो तस्वीरें आज हरियाणा के गुरुग्राम से आई। सोहना रोड पर 100 से ज्यादा उपद्रवियों की भीड़ ने बीच सड़क रोडवेज की बस को फूंक दिया। आतंक फैलाने के मकसद से मुंह पर कपड़ा बांधे उपद्रवियों ने पत्थर भी बरसाए। पुलिस मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन जब बस खाक हो गई तब से खड़े है एकदम, मैंने रोक दी। अब रोकते एकदम उन्होंने तो बार की ड्राइवर साहब आप उतर जाओ और आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। गुरुग्राम में ही एक स्कूल बस भी राजपूती शान का शिकार बन गई। बस में सवार स्कूली बच्चे चीखते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इन्हें भी नहीं बख्शा। बवाल के चलते एक तरफ सड़क पर निकलना जान जोखिम में डालना जैसा है, दूसरी तरफ हरियाणा के डीजीपी दावा ठोक रहे हैं कि उनकी तैयारी पूरी है। हमने भी अपनी तरफ से जितनी भी जो मैक्सिमम जो पॉसिबल फोर्सेस हो सकती हैं स्ट्रेंथन कर दिया है, उनको डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दिया है, जिससे कि जो जिले के एसपीज हैं, जो सीपीज हैं या जो अलग जो दूसरे अधिकारीगण हैं, वो उन फोर्सेस को डिप्लॉय कर दें और कानून व्यवस्था को मेंटेन रखें। अहमदाबाद के हिमालय मॉल में उपद्रवियों ने ऐसा तांडव किया कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए। प्रदर्शनकारियों ने मॉल के बाहर खड़ी 40 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। हिंसक भीड़ की इस करतूत की तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हुई है। हरियाणा में वैसे तो धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन उपद्रवियों पर इसका कोई असर नहीं है। महेंद्रगढ़ में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी। सड़कों पर जहां तहां गाड़ियां फंस जाने से शहर का ट्रैफिक कई घंटों के लिए अस्त व्यस्त हो गया। यमुनानगर में सैकड़ों प्रदर्शनकारी फिल्म के विरोध में सड़कों पर उतरे। ये भीड़ रैली की शक्ल में एक सिनेमा घर के आगे जमा हो गई, लेकिन पहले से पुलिस तैनात होने के चलते भीड़ का तोड़फोड़ करने का मंसूबा पूरा नहीं हो पाया, तो ये लोग पुलिस वालों से ही उलझने लगे। फरीदाबाद में भी करनी सेना विरोध के लिए सड़कों पर उतरी, लेकिन गनीमत रही कि यहां पर कोई बवाल मचने से पहले ही प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करनी सेना का ऐसा खौफ है कि हरियाणा के सिनेमा घरों में फिल्म के पोस्टर तक दिखाई नहीं दे रहे। पंचकुला के सिनेमा घरों में सन्नाटा है, बाकी तमाम फिल्मों के पोस्टर लगे हैं, लेकिन पद्मावत का कहीं नामो निशान नहीं। हरियाणा के मानेसर में भी करनी सेना पद्मावत के विरोध पर सड़कों पर उतरी। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जयपुर दिल्ली हाईवे पर करनी सेना के सैकड़ों लोगों ने पहले तो सड़क जाम की, फिर बीच सड़क पर आगजनी करके दहशत फैलाई। इस हंगामे के चलते हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। राजस्थान के ही पाली में करनी सेना सड़क किनारे टायर जलाकर पद्मावत का विरोध करती नजर आई। मुंबई दिल्ली हाईवे पर हुई इस आगजनी से कुछ देर के लिए दहशत फैल गई। सीकर में उपद्रवियों की भीड़ ने बीच सड़क एक रोडवेज बस पर हमला बोल दिया। अचानक शुरू हुए पथराव से बस में सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। पथराव से बस के शीशे टूट गए।
चित्तौड़गढ़ में करनी सेना ने 20 सड़क पर आगजनी करके विरोध जताया। बड़ी तादाद में जुटे प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के निर्माताओं और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के खिलाफ नारे भी लगाए। बीकानेर में करनी सेना सिनेमा घर मालिकों को धमका रही है। सैकड़ों के झुंड में करनी सेना के लोग एक एक थिएटर में जाकर मैनेजरों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। पिंड छुड़ाने के लिए सिनेमा घर मालिक भी फिल्म नहीं दिखाने के लिए बेझिझक हामी भर रहे हैं। राजस्थान में आग लगी है, लेकिन सरकार कानून का डंडा चलाने के बजाय उपद्रवियों से हाथ जोड़कर अपील कर रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा अपना कर्तव्य है, उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन हमने आंदोलनकारियों से भी प्रार्थना की है कि लोकतांत्रिक तरीकों से अगर आप विरोध करना चाहो तो जरूर करो, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास न करो। करनी सेना का खौफ ऐसा है कि थिएटर मालिक खुद ब खुद फिल्म नहीं दिखाने का ऐलान कर रहे हैं। उदयपुर के कई सिनेमा घर मालिकों ने इस बात के पोस्टर लगवा दिए हैं कि उनके सिनेमा घर में फिल्म पद्मावत नहीं दिखाई जाएगी। पंजाब के पठानकोट में भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पीवीआर सिनेमा को निशाना बनाया, लेकिन पुलिस मौजूद होने के चलते भीड़ अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई। पद्मावत विरोध की आग दक्षिण तक फैल गई है। हैदराबाद में भी करनी सेना ने फिल्म के विरोध में रैली निकाली। हालांकि यहां कोई हंगामा और तोड़फोड़ तो नहीं हुआ, लेकिन करनी सेना अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर करा रही है। आज तक ब्यूरो। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम हर तरफ बस एक ही नाम है, पद्मावत। गली चौराहे, सिनेमाघर और हाईवे, कहीं भी और कभी भी जय भवानी का नारा गूंजता है और उपद्रवियों का झुंड सब कुछ खाक में मिलाने को तैयार दिखता है। लखनऊ में करनी सेना अहमदाबाद की तर्ज पर तांडव करने की फिराक में थी, लेकिन योगी की पुलिस ने इनके इरादे पहले ही भांप लिए और करनी सेना पर पहली बार पुलिसिया डंडा चटकता दिखाई दिया। इटावा में गोरक्षा दल के लोगों ने शहर भर में घूम घूम कर पद्मावत के विरोध में हंगामा किया और रेड़ी पटरी वालों को निशाना बनाया। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। जौनपुर में प्रदर्शनकारियों ने पद्मावत के विरोध में कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला और निर्देशक संजय लीला भंसाली का पुतला फूंका। वाराणसी में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें खदेड़ दिया। करीब एक दर्जन उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। में करनी सेना ने हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान सड़क से गुजर रही गाड़ियों को निशाना भी बनाया गया। शामली में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करके पुतला फूंका। मौके पर मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही। बिजनौर में हिंदू युवा वाहिनी ने शहर में अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर पद्मावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। फिरोजाबाद में भी करनी सेना ने पोस्टर फाड़कर और पुतला जलाकर पद्मावत का विरोध किया। मेरठ में प्रदर्शनकारियों ने पद्मावत के खिलाफ सिनेमा हॉल में पत्थरबाजी कर दी। घटना में हॉल के बाहर के शीशे टूट गए। मथुरा में करनी सेना ने पद्मावत के खिलाफ ट्रेन रोक दी। प्रदर्शनकारी स्टेशन के पास इंजन के सामने ट्रैक पर खड़े हो गए। इसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ गई। कानपुर में भी पद्मावत का विरोध हुआ, लेकिन सलीके से। क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने पोस्टरों के साथ फिल्म के विरोध में धरना दिया। इसमें महिलाओं ने भी साथ दिया। मुरादाबाद में क्षत्रिय महासभा ने पद्मावत के खिलाफ सड़क पर रैली निकाली। गनीमत रही कि इस दौरान हंगामा या तोड़फोड़ नहीं हुई। अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा ने बाइक रैली निकालकर पद्मावत का विरोध किया। महासभा ने फिल्म दिखाने पर सिनेमा घर मालिकों को तोड़फोड़ की धमकी भी दी। इलाहाबाद में बवाल के डर से सिनेमा घरों के बाहर सन्नाटा पसरा है। फिल्म देखने आने वाले लोगों के बजाय थिएटरों के बाहर सिर्फ पुलिस ही नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में करनी सेना ने संजय लीला भंसाली का पुतला फूंककर हंगामा किया।
करनी सेना ने धमकी भी दी कि पद्मावत देखने जाने वाले अपना इंश्योरेंस करवा लें। भोपाल में पद्मावत के विरोध में दिन दहाड़े 20 सड़क पर एक कार फूंक दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इंदौर में करनी सेना ने पद्मावत के खिलाफ सड़क जाम कर दी। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया। मध्य प्रदेश के ही श्योपुर में करनी सेना ने फिल्म के खिलाफ विरोध रैली निकाली और पर्चे बांटकर शहर के लोगों को फिल्म न देखने की नसीहत दी। झाबुआ में करनी सेना ने बाइक रैली निकाली और फिल्म की रिलीज का आदेश देने पर सुप्रीम कोर्ट को भी निशाने पर लिया। उज्जैन में हंगामे के डर से सिनेमा घर मालिकों ने पद्मावत पर बंदी लगा दी है। सिनेमा घरों के बाहर पर्चे लगाकर फिल्म नहीं दिखाने की सूचना दी जा रही है। बिहार के समस्तीपुर में क्षत्रिय महासभा ने पूरे शहर में पद्मावत के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और बस अड्डे पर पहुंचकर निर्माताओं का पुतला फूंका। मुजफ्फरपुर में क्षत्रिय महासभा ने पद्मावत के खिलाफ बाइक रैली निकाली और सिनेमा घर के बाहर भी नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के बेगूसराय में राजपूत समाज के लोगों ने सिनेमा घर के बाहर नारेबाजी की और प्रशासन को विरोध के तौर पर चूड़ियां दिखाई। विरोध में कई महिलाएं भी शामिल हैं। नालंदा में राजपूत समाज के लोगों ने पद्मावत के खिलाफ धरना दिया और रिलीज के दिन बड़े स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। आज तक ब्यौरा। अब आखिर में देश की राजधानी दिल्ली और मायानगरी का हाल देख लीजिए। राजधानी में करनी सेना के डर से सिनेमा घरों के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स बैठा दी गई है। राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में 150 लोगों की भीड़ ने पीवीआर सिनेमा में हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें खदेड़ दिया तो भीड़ ने रिंग रोड पर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। दिल्ली के पश्चिम विहार में भी पद्मावत के खिलाफ उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। फिल्म का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस से भी धक्का मुक्की की। दिल्ली में कल पद्मावत की रिलीज के दिन हंगामे की आशंका के चलते कड़ी सुरक्षा की गई है। कई सिनेमाघरों पर रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है। नागपुर में विरोध प्रदर्शनों और हंगामे के मद्देनजर सिनेमाघरों में कड़ी सुरक्षा बिठाई गई है। हालांकि सिनेमाघरों में सन्नाटा पसरा है। महाराष्ट्र के अकोला में क्षत्रिय महासभा ने बाइक रैली निकालकर पद्मावत के खिलाफ विरोध जताया। रैली में बीजेपी और शिवसेना के विधायक भी शामिल हुए। पुणे में हिंसा के डर से थिएटरों में सन्नाटा पसरा है। करनी सेना की धमकी के चलते ज्यादातर सिनेमाघरों से पद्मावत के पोस्टर नदारद हैं। मुंबई में भी फिल्म की रिलीज को लेकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। करनी सेना की धमकी के चलते मुंबई के सिनेमाघरों में भी भीड़ पर असर पड़ा है। पद्मावत को लेकर मचा कोहराम जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच गया है। जम्मू के इंदिरा थिएटर में उपद्रवियों ने हंगामा किया और टिकट काउंटर पर आग लगा दी। आज तक ब्यूरो। देश और दुनिया की खबर पर रखिए पहली नजर। डाउनलोड करिए आज तक ऐप या विजिट करें aajtak.in पर। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।